हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वुमेन गेव ओल्ड एंड डल गोल्ड बैंगल्स टू अ गोल्ड स्मिथ फॉर पॉलिशिंग टू रिस्टोर देयर ग्लिटर। द गोल्ड स्मिथ डिप्ड द गोल्ड बैंगल इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द बैंगल्स स्पार्क्ड लाइक अ न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली। कैन यू गेस द सॉल्यूशन यूज बाय द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ। क्वेश्चन है कि एक वुमेन है जिसने अपने पुराने और भद्दे गोल्ड बैंगल्स को, मतलब कि जिसका चमक चला गया है, उसको क्या दिया, एक गोल्ड स्मिथ को, सोनार को दिया उसको पॉलिश करने के लिए कि इसका चमक वापस आ जाए। ठीक है, उस गोल्ड स्मिथ ने क्या किया कि उस उसके सोने के बैंगल्स को किसी एक सॉल्यूशन में डाला। सॉल्यूशन में डालने से क्या हुआ कि बैंगल्स को जब निकाला गया तो देखा गया कि वो बैंगल्स पूरा चमकने लगा, न्यू की तरह चमकने लगा, लेकिन उसका जो वेट है वो कम हो गया। तो हम लोग को गेस करना है कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर यूज किया गया उस डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ के द्वारा। वो क्योंकि वेट कम हो गया तो इसका क्या रीजन है। तो देखो, गोल्ड को घुलाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड आता है जिसका नाम होता है एक्वारीजिया। तो बोल सकते हैं द गोल्ड स्मिथ यूज एक्वा रिजिया। अब देखो, एक्वा रिजिया क्यों यूज किया। एक्वा रिजिया यूज करने से क्या होगा कि ये गोल्ड को भी क्या करता है, घुला सकता है अपने अंदर। गोल्ड को अगर वो घुला सकता है तो जैसे ही एक्वा रिजिया में गोल्ड गया तो वो उसके फर्स्ट लेयर को, ऊपरी लेयर को क्या करता है, घुला देता है, जिसके वजह से वेट कम हो जाता है। ठीक है, अब एक्वा रिजिया होता क्या है। तो एक्वा रिजिया जो होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इनटू 3:1 रेशियो। देखो, मतलब कि 3 मोल HCl और 1 मोल HNO3 को मिलाने से जो इस प्राप्त होता है वो है एक्वा रिजिया। ठीक है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इसी चीज को यूज करेगा, जिससे क्या कि फर्स्ट लेयर क्या होगा, इसका ऊपरी लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो होता है, वो क्या होता है, उसमें एक्वा रिजिया में घुल जाता है। ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिड सॉल्यूशन द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व इन द इनर शाइनी लेयर अपेयर। ठीक है, तो इनर गोल्ड का जो लेयर होता है वो ऊपर आ जाता है जो कि शाइन करता है नए की तरह, लेकिन ऊपरी जो गोल्ड का लेयर होता है वो डिजॉल्व होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आउटर गोल्ड लेयर डिजॉल्व इन एक्वा रिजिया एंड इनर साइनी लेयर अपीयर। अब अंदर का जो साइनी लेयर था वो बाहर आ जाता है, ऊपर का लेयर जब घुल जाता है तो अंदर का लेयर बचता है जो कि चमक देता है, इसी वजह से इसका वेट भी कम हो जाता है। दिस कॉज अ लॉस इन इट्स वेट। दिस कॉज लूज इन इट्स वेट, इसी की वजह से इसका वजन भी घट जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।